असुखा यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं मनीष रावत धौलपुर आपको भूगोल में आज सबसे पहले भाई भारत की वनस्पति के बारे में पढ़ाऊंगा। भारत की जो वनस्पति है इसमें सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किए गए जो किसके द्वारा किए गए भाई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1855 में। कब किए गए? 1855 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन भारत में जो प्रथम जो वन नीति जारी की गई ये जारी हुई भाई 1894। भारत की पहली वन नीति जारी की गई कब की गई? 1894 में। लेकिन अगर आए कि भारत में सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम कब जारी किया गया तो भारत में सबसे पहले वन अधिनियम जारी किया गया 1927। भारतीय वन अधिनियम कब जारी हुआ भाई? 1927 में। और भारत में सर्वप्रथम भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब जारी किया? 1980 के अंतर्गत जारी किया गया और इसके तहत भारत में सर्वप्रथम भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और ये की गई भाई देहरादून उत्तराखंड में। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पे की गई? देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत की गई और इसकी स्थापना हुई 1 जून 1981 को। जिसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत है और इसके चार प्रादेशिक कार्यालय हैं या क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे एक है आपका कोलकाता, दूसरा है आपका शिमला, एक है आपका नागपुर। कोलकाता, शिमला, नागपुर और एक है आपका बेंगलुरु, ये इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। लेकिन इसके द्वारा ही भारत में प्रत्येक 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो वन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत होती है? भारतीय वन अनुसंधान परिषद के द्वारा। कितने वर्ष बाद होती है? 2 वर्ष बाद की जाती है। भारत में प्रथम वन रिपोर्ट 1987 को प्रस्तुत की गई। पहली वन रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई भाई? 1987। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो स्वतंत्र भारत है उसमें सबसे पहले वन रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? स्वतंत्र भारत में पहली जो वन नीति थी जो जारी की गई 1952 में और इसको संशोधित किया गया 1988 में। संशोधित वन नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए 33.33% भाग पर वन होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान जो वन रिपोर्ट है यह है भाई 15वीं वन रिपोर्ट और यह वन रिपोर्ट आपकी 2017 में बनाई गई और इसको प्रस्तुत किया गया 12 फरवरी 2018। तो 15वीं वन रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 12 फरवरी 2018 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई। और इस वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में वन एवं वनावरण यह है आपका 24.39%। केवल वनावरण है आपका यह है आपका 21.54%। वनावरण कितना है? 21.54% और वन एवं वनावरण कितना है भाई? 24.39%।
लेकिन अगर आपसे पूछे पहले वाली जो रिपोर्ट है और वर्तमान की जो रिपोर्ट है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों वाले राज्यों का अवरोही क्रम बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत में सर्वाधिक जो वन है आपके कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक जो वन है वो आपके हैं भाई मध्य प्रदेश पहला, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में आपके हैं महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक वन है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कौन से राज्यों में है, इसके चार जो राज्य हैं उनमें सबसे पहला है आपका, उसका नाम है हरियाणा, हरियाणा के बाद दूसरा है आपका पंजाब, पंजाब के बाद तीसरे नंबर पे आपका गोवा, और गोवा के बाद में आपका है भाई सिक्किम। तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनों वाले चार राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनों वाले जो चार राज्य हैं, यह है आपके हरियाणा, पंजाब, गोवा और सिक्किम। लेकिन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला अगर राज्य पूछा जाए तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो है आपका मिजोरम। मिजोरम में जो वनों का प्रतिशत है वो आपका 86.27%, और जो सबसे कम वन है प्रतिशत के आधार पर वो है आपके पंजाब में, और ये है आपके 3.65%। सबसे कम वनों वाला जो राज्य है प्रतिशत के आधार पर पंजाब, सर्वाधिक जो वनों वाला राज्य है प्रतिशत के आधार पर वो है आपका मिजोरम। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य है इनमें सर्वाधिक वनों वाला कौन सा है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंतर्गत जो वन है वो आपके 90.33% भाग पर फैले हुए हैं। तो सर्वाधिक जो वन हो गए वो कहां पर हो गए भाई? लक्षद्वीप में। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो वो है आपका पुदुचेरी। सबसे कम वन कौन से में? पुदुचेरी में। और सर्वाधिक कौन से केंद्र शासित प्रदेश में हो गए भाई? लक्षद्वीप के अंतर्गत स्थित है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे वन संपदा से संबंधित, जैसे भारतीय वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भारतीय वन है उनको प्रशासनिक दृष्टि से भाई 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 3। जैसे एक है आपके आरक्षित वन, दूसरे हैं संरक्षित वन, और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन थोड़ी देर मुझे सबसे पहली अगर बात आए आरक्षित वन किसे कहा जाता है? ऐसे वन जिनमें लकड़ी काटने व पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है उनको क्या कहते हैं भाई? आरक्षित वन कहा जाता है। और ये वन भारत में कितने प्रतिशत है? 53% पाए जाते हैं। दूसरे आपके संरक्षित वन, ऐसे वन जिनमें सरकार की अनुमति से लकड़ी काटी जा सकती है, पशु चराए जा सकती हैं, और ये वन पाए जाते हैं आपके भारत में 29%, जिनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। और ये वन पाए जाते हैं कितने प्रतिशत भाई? 18%। तो प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय वनों को कितने भागों में बांट दिया? प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है,
भौगोलिक दृष्टि से भारतीय वनों को भाई पांच भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पांच भागों में सबसे पहला है आपका और उसका नाम है पूर्व काटे पूरी छोटी उष्ण मशीन लगा के कटिबंधीय सदा बहार वन, दूसरे आपके अरे जाएगी कहाँ उष्ण कटिबंधीय काट लीजिए खराब फिर बड़ा इतना बड़ा बड़ा चुने अगली काट मानसूनी वन तीसरे हैं आपके शुष्क वन निकाल दे चार हैं आपके मैग्रोव वन संजीव बना दरबार और पांच पे आपके हैं भाई पर्वतीय वन बढ़ रही है ना। तो भारतीय वनों को कितने भागों में बांट दिया पांच भागों में। सबसे पहली बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहा है। अब जो सदाबहार एक ऐसे वन होते हैं जो हमेशा हरियाली युक्त रहते हैं हरे भरे रहते हैं ऐसे वन जिनमें फल फूल पत्ती आने का अलग अलग समय होता है उनको ही क्या कहा जाता है सदाबहार वन कहा जाता है। सदाबहार जो वन है जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत किए जाते हैं और इन वनों को अपन भूमध्य रेखीय वन विषुवत रेखीय वन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सदाबहार वन है इनकी जो औसतन ऊंचाई होती है इनके पेड़ों की वो होती है आपकी 60 मीटर। कितनी वर्षा होती है भाई 200 सेंटीमीटर से अधिक। और ये जो वन होते हैं आपके इन वनों के अंतर्गत जैसे विश्व में ये वन आके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक है आपका अफ्रीका महाद्वीप और एक है आपका एशिया महाद्वीप इन वनों में सर्वाधिक ये वन पाए जाते हैं। इनमें से जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें एक बेसिन है उसका नाम है अमेजन बेसिन। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन नदी लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी है वो है आपकी नील नदी और अमेजन बेसिन में ही विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कौन से वनों में पाई जाती है तो ये पाई जाती है आपकी सदाबहार वनों के अंतर्गत। कौन से वनों में पाएगी भाई सदाबहार वनों के अंतर्गत और ये जो वन है आपके अमेजन बेसिन के अंतर्गत सेलवास वन पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में वनों को किस नाम से जाना जाता है सेलवास के नाम से जाना जाता है। अमेजन बेसिन आपका ब्राजील देश के अंतर्गत आता है सर्वाधिक जो लाभ है अमेजन नदी से ब्राजील देश को प्राप्त होता है और अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है भाई अमेजन बेसिन को कहा जाता है। अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति निवास करती है। इसके बाद दूसरा जो आपका महाद्वीप है उसमें आता है अफ्रीका महाद्वीप और जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है इसमें भी एक बेसिन है भाई उसका नाम है कांगो बेसिन। जो कांगो बेसिन है ये आता है आपका जायरे देश में। कांगो बेसिन कहां पे आता है भाई जायरे देश में और यहां पर एक जनजाति पाई जाती है उसको कहते हैं पिग्मी जनजाति। तो कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति है पिग्मी जनजाति। अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति है बोरो जनजाति। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कौन सी वनों में सदाबहार वनों में पाई जाती है। कौन से वनों में पाई गई भाई ये सेलवासा वाला भी जो पेपर हुआ था आपका जो एसआई का राजस्थान एसआई का उसमें आया था कि अमेजन बेसिन में जो वनस्पति है उसको क्या कहते हैं भाई सेलवास के नाम से जाना जाता है। आरएएस 2011 में भी आया था कि विश्व में
सर्वाधिक जैव विविधता कौन से वनों के अंतर्गत पाई जाती है? सदाबहार वनों के अंतर्गत पाई जाती है। जो आपके सदाबहार वन है ये भारत में भी पाए जाते हैं, जैसे भारत में आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद में आता है पश्चिमी घाट पर्वत या इसको कहते हैं सह्याद्री पर्वत, एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है आपका जैसे पूर्वोत्तर हिमालय। इन सब के अंतर्गत आपके क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत के अंतर्गत। तो ये आपके कौन से वन है भाई? सदाबहार। इससे आगे अगले जो टॉपिक को अगले उसमें पढ़ेंगे भाई। थैंक यू।